I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. Good morning, Chachu. Good morning, Bachwa. Good morning, Jojo. Good morning, big brother. चाचू कल से डैड नजर नहीं आए। अब हम क्या बताएं बचवा, तुम बिलीव नहीं करोगे, सुबह से कितना फोन आ चुका है, कितना इंक्वायरी हुआ है, मगर किसी को कुछ पता होता भी तो बताएंगे ना कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं। हेलो विक्की, कहाँ बोल रहे जी? हाँ हाँ इधर ही है, जाएगा कहाँ? विक्की इधर आओ, अब तुम बचकर कहीं नहीं जा सकते, तुम्हारा राज खुल गया है लड़के। राज? कौन सा राज? खुदा ही सुन लो। हेलो हेलो, तुम हो? नर्वस आ गए थे ना? क्या आपको याद है आज एक लड़की का बर्थडे है? नहीं तो, किस लड़की का है? एक भोली भाली सी लड़की जो एक बुद्धू भुलक्कड़ लड़के के प्यार में फंस गई है। अब वो भुलक्कड़ है तो भूल ही जाएगा ना, ये बात तो लड़की को प्यार करने से पहले ही सोच लेनी थी। उस बेचारी को लव का एक्सपीरियंस नहीं था ना, इसलिए गलती हो गई। अब बताओ वो क्या करे? लड़की को चाहिए भरोसा रखे, मैं उस बुद्धू लड़के को पकड़ कर लाता हूँ। लेकिन वो बुद्धू लड़का उस लड़की को पहचानेगा कैसे? अरे पहचानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस लड़के में बात ही कुछ ऐसी है कि लड़की उसे देखते ही खुद दौड़कर उसके पास चली आएगी। ऐसा भी तो हो सकता है कि लड़का देखता ही रह जाए और लड़की किसी और के साथ चली जाए। ठीक है तो फिर देखते हैं। हाय। हाय हाय भगवान, ये क्या कर दिया तूने, हमार भैया को उठा लिया। किस भैया ने नाद बना दिया? व्हाट इज सेइंग हिज टाइम फॉर टाउ। चाचू चाचू आप रो क्यों रहे हो, ये पुलिस क्यों आई है यहाँ? तुम बिलीव नहीं करोगे बचवा, तुम्हारे पिताजी को किसी ने दबका दिया। क्या? अरे दबकाने के बाद लाश मछलियों को खिला दी, कुत्तों को खिलाया होता तो ताऊजी की हड्डियां तो मिल जाती अंतिम संस्कार के लिए। अब उनका अंतिम संस्कार कैसे करेंगे? The cigarette lighter was found at the murder site. Do any of you recognize it? ये क्या कह रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डैड ये पूछ रहा है कि लाइटर किसका है। अब का नहीं मालूम ये किसका है, हमारा भैया तो। चाचू दिस बिलोंग्स टू माय फादर। तुमने कैसे कह दिया कि ये लाइटर भैया का है, उन्होंने 20 साल से सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया था। जानता हूं डैड सिगरेट नहीं पीते थे, ये लाइटर उसका है जिसने उन्हें मारा है। मैंने झूठ इसलिए बोला क्योंकि पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अरे कौन है वो, हमका बताओ का नाम? उसने भैया को मछली को खिलाया था ना, हम उस ससुर को कीड़े मकोड़ों को नहीं खिलाया तो हमारा नाम बलदेव नहीं, हमका पता कौन है वो। याद कीजिए आपने ये लाइटर कहां देखा था। ये लाइटर तो प्रताप का है, रामजादे ने रिश्तेदारी के लिए हाथ बढ़ाकर इतना बड़ा धोखा दिया। मैं उस बास्टर्ड प्रताप के सीने में सारी गोलियां उतार दूंगा। नहीं, जोश में काम करने वाले या तो मिट्टी के नीचे होते हैं या लकड़ियों के ऊपर, इसलिए जोश से नहीं होश से काम करना होगा। चाचू अपने सारे आदमियों को इकट्ठा कीजिए, हम एक साथ प्रताप पर अटैक करेंगे।
चेक पोस्ट? अब क्या करें बचुआ? सारे हथियार छुपा दो। जो जो, फोन करो। Hide all the weapons. Yes, sir. Hide your weapons. ये सारा केबिन खाली क्यों है? मैं देखता हूं। बस विक्की प्रताप साहब, मैंने वीरेंद्र और उसके सारे साथियों को मारने का अपना वादा पूरा कर दिया। पूरा नहीं, आधा। मेरी वो फाइल कहाँ है जो वीरेंद्र के पास थी? वो भी आपको मिल जाएगी। पहले आप प्रीति का हाथ मेरे हाथ में देने का अपना वादा पूरा कीजिए। बोलिए कब? दूल्हा दुल्हन जब चाहें। राइट, वही फाइल है। यकीन नहीं आता कोई किसी से इतना भी प्यार कर सकता है जितना तुम प्रीति से करते हो। सिर्फ मेरे कहने पर उससे शादी करने के लिए तुमने अपने बाप को मार दिया। वो मेरा बाप नहीं था। क्या? वीरेंद्र जैसा कमीना मेरा बाप हो ही नहीं सकता। उसे मैंने अपना बाप इसलिए बनाया था ताकि मैं उस तक पहुंच सकूं। अगर वीरेंद्र तुम्हारा बाप नहीं था तो उसने तुम्हें अपना बेटा माना कैसे? अपनी बीवी की वजह से। परसों पहले उसका बेटा खो गया था। मैं उसका खोया हुआ बेटा बनकर उसके सामने पहुंच गया और अपने बेटे की याद में आधी पागल हुई मां को यकीन दिलाना कोई मुश्किल काम नहीं था। वाह, क्या चाल चली है तुमने। एक तीर से कितने शिकार कर लिए। वीरेंद्र की दौलत, मेरी बेटी और मेरा भरोसा, तीनों हासिल कर लिए। मैं तुम्हें जितना चालाक समझता था तुम तो उससे भी ज्यादा चालाक निकले हैं। आज बाप बनाकर तुमने वीरेंद्र को मारा, कल मेरी दौलत हासिल करने के लिए ससुर बनाकर तुम मुझे भी मार दोगे। लेकिन माय डियर सन इन लॉ, मैं वीरेंद्र की तरह बेवकूफ नहीं हूं। फाइल मेरे पास आ चुकी है, इसलिए गुड बाय। माय डियर फादर इन लॉ, आप तो वीरेंद्र से भी ज्यादा बेवकूफ निकले। ट्रिगर दबाने से पहले यह तो देख लिया होता कि इसमें गोलियां हैं भी या नहीं। अरे, जो वीरेंद्र की तिजोरी से आपकी फाइल निकाल सकता है उसके लिए आपकी पिस्तौल से गोली निकालना कौन सी बड़ी बात है? अरे बेटा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था यार। मजाक का रिश्ता जीजा साले का होता है, ससुर दामाद का नहीं। इसलिए अब एक सीरियस बात सुनिए। वीरेंद्र को मैंने आपकी बेटी के लिए नहीं बल्कि टीके के लिए मारा था।
डीके के लिए? हाँ, उसने मुझे 3 आदमी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, एक जसवंत, दूसरा वीरेंद्र और तीसरे आप। दुआएं दो अपनी बेटी को जिसकी वजह से आप अब तक जिंदा हैं। मैंने आप तक पहुंचने के लिए उसे सीढ़ी जरूर बनाया था, लेकिन मैं उसे सचमुच इतना प्यार करने लगा हूं कि उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। विकी, कल तक तुमने प्रीति के दिल को जीता था, आज मेरे दिल को भी जीत लिया है। दिल की बात छोड़िए और दिमाग की बात सुनिए। डीके आपको मार के 100% का मालिक बनना चाहता है। मैं डीके को मार के आपको 100% का मालिक बना सकता हूं। लेकिन डीके का पता मैं जानता हूं। आप हिंदुस्तान चलने की तैयारी कीजिए। उस कमीने डीके को मारने के लिए मैं हिंदुस्तान तो क्या, कहीं भी चलने के लिए तैयार हूं। अब से कुछ देर पहले मैं अपने आप को दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की समझती थी, लेकिन आज अपने बाप और विकी की बातें सुनने के बाद मेरा इन सारे रिश्ते नातों पर से विश्वास ही उठ गया है। अगर आप सुनेंगी तो आप तो जीते जी मर जाएंगी। जिसे आप अपना बेटा समझती हैं वो आपका बेटा नहीं है। वो आपका बेटा इसलिए बना ताकि वो आपके पति को मार सके। माँ जी, उसी ने आपके पति का खून किया है, आपको विधवा बनाया है। वो एक धोखेबाज है, कातिल है। मैं जानती हूं विकी मेरा बेटा नहीं है, उसने मुझे कोई धोखा नहीं दिया, बल्कि खुद मैंने धरती मां के सीने से एक पापी का बोझ हटाने में उसकी मां बनकर उसका साथ दिया। और उसने मेरे पति का खून नहीं किया, एक देशद्रोही को उसके गुनाहों की सजा दी है। बेटी, जो देश के लिए जान देते हैं वो शहीद कहलाते हैं, जो देश के लिए जान लेते हैं वो कातिल नहीं, सोल्जर कहलाते हैं। और इस सोल्जर की कहानी इस विदेशी धरती से नहीं, बरसों पहले हिंदुस्तान की रेतीली सरहदों से शुरू हुई थी, जहां मेरे पति और तुम्हारे पिता अपने तीसरे साथी जसवंत के साथ मिलिट्री में सर्विस किया करते थे, और वहां के हथियारों को चुरा कर अपने डी के नाम के साथी को बेचा करते थे। एक बार विकी के पिता मेजर विजय मल्होत्रा ने इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। अपने जुर्म को छुपाने के लिए इन गद्दारों ने उनको मार डाला। हथियारों की चोरी का इल्जाम भी उन्हीं पर लगा दिया। हम हथियारों का ट्रक लेकर सरहद के लिए जा रहे थे कि अचानक ट्रक खराब हो गया। मेजर विजय मल्होत्रा ने हम तीनों को मदद लाने के लिए कैंप भेजा। रास्ते में हमने देखा एक सिविलियन ट्रक चला आ रहा था। हमरा माथा ठनका और वापस आकर हम का देखते हैं कि गार्ड सारे मरे पड़े हैं और विजय मल्होत्रा और उनके साथी हथियारों को निकालकर अपने ट्रक में डाल रहे हैं। हमने उनको ललकारा, जवाब में उन्होंने गोली चलाई हम पर। मजबूरी में हमें भी गोलियां चलानी पड़ी। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के तहत सूबेदार प्रताप सिंह, नायब सूबेदार वीरेंद्र सिन्हा, सिपाही जसवंत दलाल के आंखों देखे बयान के मुताबिक लेट मेजर विजय मल्होत्रा पर देश की रक्षा के लिए मंगाए हथियार लूटने और हथियारों की रक्षा करने वाले गार्ड्स को कत्ल करने का जुर्म पाया गया। इसलिए आर्मी सजा के तौर पर इनकी तमाम सर्विस टर्मिनेट करती है और सर्विस के दौरान दिए गए तमाम मेडल, टाइटल्स और तमगे लेकर देश का गद्दार करार दिया जाता है। Remove the decorations. ये गद्दार नहीं है सर, ये तो शहीद है सर, ये तो शहीद है सर, ये तो देश के लिए शहीद हो गए सर। For exclusive classic movies, download Shimaru Me app now.